व्हाट इज द करेक्ट मेजर ऑफ पेरेंटिंग? कितना कितना आपको बच्चे को गाइड करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए? व्हाट इज द राइट अमाउंट ऑफ इट? लेट मी शेयर अ स्टोरी विथ यू. मैं छोटी थी तब मैंने सुनी थी. दो दोस्त थे, एक रिटायर्ड स्कूल का प्रिंसिपल और एक यंग स्मार्ट बैंक में काम करने वाला आदमी, जिसको हर समय था कि मैं और ज्यादा करूं और ज्यादा करूं. तो दोनों एक दिन शाम को, संडे की शाम को बाहर गए और दोनों ने साथ में सेम प्लांट्स खरीदे. तो दोनों अपने घर, वो चार प्लांट टीचर ले गया, चार प्लांट बैंकर ले आया. तो चारों दोनों ने अपने घर में अच्छे से प्लांट को लगाए. जो रिटायर्ड टीचर था वो प्लांट को थोड़ा बहुत पानी देता था, देखरेख करता था. जो बैंकर था वो प्लांट को ज्यादा पानी देता था और ज्यादा देखरेख करता था. तो उसके प्लांट्स हेल्दी थे टीचर के, लेकिन इसके और भी ज्यादा ग्रीन और भी ज्यादा हेल्दी थे बैंकर के. तो एक दिन बहुत तेज आंधी आई, तूफान आया. उस समय तो कोई नहीं निकला. सुबह दोनों जने बाहर गए देखने के लिए कि हमारे गार्डन में प्लांट्स का क्या हुआ. तो जो टीचर वाले प्लांट्स थे उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, तो वो ऑलमोस्ट ठीक थे. और जो बैंकर वाले प्लांट्स थे, तो ज्यादा हरे थे, जो ज्यादा बड़े थे, जिनकी ज्यादा देखरेख होती थी, वो उखड़ गए थे. बैंकर बड़ा परेशान हुआ. उसने कहा ये तो कहानी उल्टी हो गई. हो गया टीचर के पास. उसने कहा आप और मैं साथ में प्लांट लाए, आपने कम पानी दिया, मैंने ज्यादा पानी दिया. मेरे प्लांट्स ज्यादा हरे भरे थे, पानी ज्यादा दे रहा था, इतने सुंदर थे, आपके तूफान में टिके रहेगा, मेरे उखड़ गए, ऐसा क्यों? दोनों के जमीन में प्लांट्स थे. तो टीचर ने कहा कि पानी उतना ही पौधे को देना है जिससे उसकी प्यास पूरी तरह से मिटे नहीं. जब पौधे को इनफ पानी नहीं मिलता तब उसकी रूट्स डीप में जाती हैं और तब वो और पानी खोजता है जमीन से. बट व्हेन यू गिव इनफ वाटर टू द प्लांट तो उसको सब कुछ मिल जाता है, उसकी अपनी ग्रोथ, अपनी डेप्थ होती ही नहीं है. इट इज सिमिलरली व्हेन यू रेज अ चाइल्ड, यू नो यू शुड नो कि उसको उतने कम्फर्ट देने हैं कि उसको पानी मिले. लेकिन अगर आपके ज्यादा पानी देने से उसकी प्यास ही मर गई तो वो कभी किसी भी लाइफ के तूफान को, किसी भी चीज को जिसमें आप उसके साथ नहीं हो, उसको हैंडल ही नहीं कर पाएगा. सो समटाइम्स लिटिल गिविंग लिटिल लेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड टू हैव द हंगर टू ग्रो एंड टू हैव द पोटेंशियल टू फाइट बैक. यू गेट इट?